इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे अमित शाह कोलकाता में भारत सेवा आश्रम संघ में संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं इसके अंदर नवसी प्रामाणिकता तो रही ही, परंतु इसके साथ साथ सेवा, समर्पण, त्याग, परिश्रम, इसकी पराकाष्ठा कर एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण सेवा कार्य करने वाले सभी संगठनों के लिए, सभी धार्मिक संगठनों के लिए भारत सेवाश्रम संघ ने प्रस्तुत किया है। और मुझे श्रद्धा है कि यही रास्ते पर अनेक सालों तक, अनेक दशकों तक ये संस्था माँ भारती की सेवा करती रहेगी, हमारे धर्म की सेवा करती रहेगी और सबको संगठित कर हमारी कल्पना का हिंदुस्तान बनाने के लिए निश्चित रूप से ही आप सब कर। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठकर आपके साथ संवाद कर रहा और ये भूभाग अगर आज भारत में है तो उसमें स्वामी प्रणवानंद जी का बहुत बड़े भूमिका है। अगर उन्होंने ये प्रेरणा श्यामा प्रसाद जी को न दी होती और बंग बंग न होता तो शायद यहाँ पर आज बांग्लादेश होता। वो बंग बंग की जो घटना थी, जो प्रणवान जी के प्रेरणा से हुई, इसी के कारण आज पश्चिम बंगाल का यहाँ पर अस्तित्व है। और मैं मानता हूँ कि विभाजन के उस वक्त में जब बड़ी आपाधापी थी, स्थिर बुद्धि के साथ चिरकाल तक देश पर असर पहुंच सके ऐसे देश हित के निर्णय जो हुए, इसमें श्यामा प्रसाद जी और स्वामी प्रणवानंद का बहुत बड़ा योगदान है देश को। और मैं आज भी मानता हूं कि इन्होंने स्वधर्म और स्वराज की जो बात करी थी वो तभी पूरी हो सकती है जब उनकी कल्पना के भारत की हम निर्मिति करें। और आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं वो उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और आज भारतीय संस्कृति को, हमारे संस्कार को, हमारी जीवन परंपरा को पूरी दुनिया सम्मान के साथ देखती है, पूरी दुनिया सम्मान देती है, इस दिशा में हम काफी कुछ कर पाए। मैं आज यहाँ आया हूँ, जब से मैं इस भवन के अंदर कदम रखा मुझे मालूम है यहाँ प्रणवानंद जी के जीवन के कई साल बीते। यहाँ आने के बाद चेतना और ऊर्जा प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि चेतना और ऊर्जा निश्चित रूपेण शत प्रतिशत देश को प्रणवानंद जी की कल्पना का देश बनाने के लिए ही काम है। जिस प्रकार से आज भी मूल चीजों को लेकर, मूल बातों को लेकर अपने आप को स्थिर रखे हुए हैं वो बहुत कम संस्थाएं कर पाती है। और इसलिए मेरा मानना है कि स्वामी प्रणवानंद जी का जीवन, उनका जीवन कवन, उनका उपदेश भारत के ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचे, इसलिए आप सब जो सन्यासी कर रहे हैं इसके साथ में हम सब भी क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं वो अगर स्वामी जी हमें जोड़ेंगे तो मुझे भी बड़ा आनंद होगा। और जितना भारत का युवा युवाचार्य प्रणवानंद जी को पढ़ेगा उतना सारे उसके मन में से कंफ्यूजन, शंकाएं, संदेह सारी इसका निरसन होकर एक स्थिर मार्ग पर वो चलकर हमारे कल्पना के भारत का निर्माण करेगा। मैं अतः आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरी पार्टी प्रणवानंद जी के उद्देश्यों को लेकर इतनी ही चिंतित है, इतनी ही कर्तृत्ववान है जितना भारत सेवा संघ है। अतः मैं मेरे सभी साथियों की ओर से आप सभी ने यहाँ पर हम सबका जो स्वागत किया और प्रणवानंद जी के स्थान के दर्शन करने का लाभ दिया, इसलिए हृदय से मैं सब आप सबका धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। खूब खूब धन्यवाद। मैं जी, मैं एक बाकी तस्वीरें देख रहे हैं भारत सेवाश्रम की है कोलकाता में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उनके आज का दौरा भारत सेवाश्रम से शुरू हुआ है। भारत सेवाश्रम बहुत सालों से देश में और विदेश में सोशल वर्क करता है। आपको बता दें कि हर साल
हजारों जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा दी जाती है भारत सेवा आश्रम के जरिए, जिनको यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी जाती है। खासतौर पे जो गरीब तबका है और जो पिछड़ा वर्ग है उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये काम किया जाता है। भारत के हर एक शहर में, हर एक राज्य में इनके संस्थान हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं यूरोप की, अमेरिका की, इन सभी देशों में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यूरोप में, हर जगह आपको भारत सेवा आश्रम के संस्थान मिल जाएंगे जहाँ पर धर्म के साथ साथ सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। खासतौर पर इनका फोकस गरीब तबके का रहता है, जो गरीब यहाँ पर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या परिवार है, उनको मदद दी जाती है। आर्थिक मदद हो, चाहे वो एजुकेशन हो, स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी काम करते हैं। और यही वजह है कि अमित शाह ने आज अपने इस दौरे की जो शुरुआत की है वो भारत सेवा आश्रम से की है। कोलकाता में हेडक्वार्टर है, 1917 में भारत सेवा आश्रम की स्थापना की गई थी और आज ये पूरे दुनिया में हर एक कह सकते हैं कि बड़े शहर में इनकी मौजूदगी है, जहाँ पर वो सोशल वर्क भी करते हैं और साथ ही साथ लोगों को आध्यात्म से भी जोड़ते हैं। आज बंगाल में अमित शाह का कार्यक्रम क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इसके बाद दोपहर 12:15 गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करेंगे अमित शाह। दोपहर 12:50 पर साउथ 24 परगना के नामखाना में इंदिरा मैदान से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पाँचवा ये परिवर्तन यात्रा का खेप होगा। और दोपहर 1:55 पर नारायणपुर गांव में एक परिवार के साथ, एक गरीब परिवार के साथ अमित शाह भोजन भी करेंगे। और दोपहर 3:05 पर काकदीप में रोड शो का आगाज करेंगे। रोड शो खत्म होने के बाद अमित शाह कोलकाता वापस लौटेंगे। कृषि कानून के विरोध में आज